हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को पीडीएफ की नीड है तो वो इस नंबर पर डिस्कस कर सकती हैं। आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? ठीक है, तो वो आपकी एशियाई विकास बैंक यानी के ADB ने ये मंजूरी दी है। ठीक है, और किसके लिए दिए है? तो ये कोविड-19 महामारी से, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी कोविड-19 के लिए जो सिस्टम बना रही है तो उसमें किस तरीके से समर्थन किया जा सकता है, तो उसके लिए ये दिया है। ठीक है, ये ऋण दिया है। हाँ, तो आपको एक बात मैं बता देती हूँ, इससे पहले ADB ने ही 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये जो है ऋण दे चुकी है इससे पहले भी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इस ऋण से क्या किया जाएगा। तो जापानी सरकार द्वारा वित्त पोषित इस अनुदान का उपयोग भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुएं जो भी हैं उनको खरीदने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना ऋण देगी और किस लिए देगी, तो थोड़ा सा ADB के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार की संस्था है, क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर, इसकी स्थापना 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो जो एशियाई देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी आर्थिक विकास को सुगमता रूप से चलाया जा सके, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है। सदस्य देश इसके 68 हैं, यानी कि 68। ठीक है, इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो वो अर्चना सोरेंग हैं, इनको इसमें सलाहकार के रूप में इसको शामिल किया है उस समूह में। किसने शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, ठीक है, इसके लिए इनको इसमें शामिल किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल होंगे, चलिए इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से शामिल होंगे। इसके साथ ही अर्चना सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में जगह दी है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, यानी कि UN के महासचिव हैं, इन्होंने क्या किया है, 18 से 28 वर्ष के जो भी युवा हैं, ठीक है, तो उनके लिए, मतलब इतनी आयु तक के जो भी युवा हैं, तो उनमें से 7 लोगों को, यानी कि 7 सदस्यों के नामों की घोषणा की है। ठीक है, जिनमें ये जो ओडिशा, ये जो आपकी भारतीय ये हैं, इनका अर्चना सोरेंग, ये ओडिशा की हैं, ओडिशा के बहुलगढ़ जिला है एक वहाँ पर, तो उसकी ये रहने वाली हैं, तो इन ये भी उन्हीं 7 व्यक्तियों में शामिल हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके इंडिया की, बाकी के 7 कंट्री कौन से हैं उनके, सॉरी, बाकी के जो 6 देश हैं वो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सूडान है, फिजी है, और मोल्दोवा है, और संयुक्त राज्य है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फ्रांस एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ से एक एक सदस्य और लिया गया, यानी कि टोटल 7 सदस्य हैं। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है। बाकी ये जो दिवस है इसकी थीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थीम क्या है 2020 की, याद कर लेना, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये इसकी थीम है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो मानव तस्करी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर मानव तस्करी होता क्या है। देखिए, UN के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है मानव तस्करी की, वो क्या है, किसी भी पर्सन को
आप डरा कर या फिर मतलब उसको फोर्स ली या फिर गलत तरीके से कोई आप कार्य करवा रहे हो उससे, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो और उसे बंधक बनाकर रख रहे हो, या फिर कुछ ऐसे मतलब यानी कि गलत तरीके से आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो मानव तस्करी के अंदर ही आती हैं, उसी श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो यही उसकी डेफिनेशन है संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं एक संस्था है जिसका नाम है मतलब संस्था क्या, एक ही ग्रुप है, मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यालय है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ UNODC, इसके अकॉर्डिंग कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, तो उनमें उन आंकड़ों के अनुसार जो मानव तस्करी की अगर बात करती हूँ टोटल में, तो उस उन मामलों में 72% वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ही इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, ठीक है, जो ये मानव तस्करी है। इनफैक्ट जो बच्चे हैं, बच्चे तो मतलब 2004 में, 2004 से और 2016 तक, ये समझ लीजिए कि इसमें उनकी डबल मतलब संख्या हो चुकी है। तो ये जो इसमें मानव तस्करी में जो लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, और ये जो मानव तस्करी का शिकार मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइग्रेंट पीपल होते हैं वही इसके सफ़र करते हैं इससे, ठीक है, जो प्रवासी मजदूर वगैरह होते हैं वो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाला 7वें गेंदबाज बने हैं, तो वो कौन बने हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट टिकट में 500 क्रिकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट में हासिल किया है। ब्रॉड यह है उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं, इंग्लैंड के दूसरे हैं। बाकी प्रथम 6 गेंदबाज श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, उनके ये जो रनों की वो संख्या है वो उनके आगे दे रखी है 708, अनिल कुंबले 619, एंडरसन 589, ग्लेब मैक्रा 563 और कोर्टनी वाल्श ये 519 इन्होंने रन बनाए हैं। इसमें और कुछ खास जानने के लिए बस इनका नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर किस शहर में सड़क का नाम रखा गया है, तो लखनऊ में रखा गया है। और ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है ना पूर्व सांसद एवं राज्यपाल, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इस बात को मेंशन किया था, ठीक है। और इसी के चलते जो आनंदीबेन पटेल है यानी कि यूपी की राज्यपाल, उनको वहाँ का यानी कि एमपी का अतिरिक्त राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये चीज़ मैंने मेंशन की थी उस वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई को हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा, ये नाम चेंज किया है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस प्रदेश में जिला स्तरीय पैनलों की स्थापना की जाएगी, तो आपके उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तो मतलब उस पैनल में कौन लोग होंगे, तो देखिए आपके जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों से मिलकर उस पैनल को बनाया जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपके सभी को मेंशन कर दिया गया है। ओके, चलिए, तो वो ये मतलब ये सारे सिस्टम की देखभाल करेंगे वो, बस ये है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए ऐसा हुआ है कि कल मैंने ये सारी चीज़ आपको मेंशन की थी बहुत अच्छे तरीके से बाघ दिवस के मौके पर, और मैंने आपको पूरा डेटा बताया था बाकायदा, और वो सारी चीज़ आज हमने आपको यहाँ पर लिख कर दे दी है। कल मैंने ये सारी चीज़ें आपको बोल कर बताई थी, वो सारी चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ पर लिख कर दे दी हैं इस PDF में। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, वही चीज़ आज हमने एज अ क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, कि जो मतलब 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 50 जो है टाइगर रिजर्व हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ फिर भी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ देती हूँ। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है।
हाँ मैं बता देती हूँ, इस रिपोर्ट में कब से कब तक के आंकड़े लिए गए हैं, तो 2014 से 2018 तक के इसमें सारी डिटेल्स ली गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, हालांकि उनमें से 3 यानी कि डंपा रिजर्व जो कि मिजोरम में है, बक्सा रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पलामू रिजर्व जो कि झारखंड में है, कोई बाघ नहीं बचा है। और इनके बारे में उस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक यानी कि 221 बाघ हैं, ध्यान रखना टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर रिजर्व में 127 और 126 बाघ हैं क्रमशः, ठीक है। तो ये है उनका उसका डेटा। बाकी मध्य प्रदेश में ये डेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 राज्य हैं वो क्रमशः आपके यहाँ पर दे रखे हैं, कि फर्स्ट नंबर पर एमपी है जिसमें 526 बाघ हैं, सेकंड नंबर पर कर्नाटक है जिसमें 524 बाघ हैं, एंड थर्ड नंबर पर आपका उत्तराखंड है जिसमें 442 बाघ हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेटा है जो मैंने दे दिया है। हाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो लोग न्यू हैं उनको बता देती हूँ, कल मैंने ये सब बताया था। नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट्स हैं उनमें बाघों के लिए बाघों की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट आई है, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा 3 राज्य और हैं छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा, वहाँ पर भी बाघों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। और बाकी मैं बात करती हूँ कि अगर वर्ल्ड के हम बाघों की बात करें तो उसके कम से कम 70% बाघ इंडिया में ही पाए जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है, हाँ एक खास बात ये है कि जो बाघ दिवस है मतलब कि सेंट पीटर्सबर्ग में इस समझौता हुआ था वहाँ पर 2010 में, तभी से ये बाघ दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था 29 जुलाई को, मैंने आपको बता दिया है। और बाकी ऐसा हुआ था वहाँ पर क्या एक टारगेट रखा गया था कि 2022 तक वर्ल्ड में जितने भी बाघ हैं उनकी संख्या को हमें डबल करना है यानी दोगुना करना है। इंडिया की खास बात यह है कि 2022 से पहले ही 4 साल पहले यानी कि 2018 में ही उसने अपने बाघों की संख्या डबल कर ली थी, कितनी कर ली थी 2967। आप चाहें तो डेटा को लिख सकते हो, मेरे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी मैं बताती हूँ, अलग से खुद बताती हूँ या फिर जो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ओके। थैंक यू।